हेलो स्टूडेंट, पी के एस फिजिक्स क्लासेज में आपका वेलकम है। आज का जो टॉपिक है कूलम्स लॉ फ्रॉम गॉस थ्योरम, यानी आज मैं जो करने जा रहा हूँ वो कूलम्स लॉ को ऑब्टेन करना चाहता हूँ, यानी कूलम्स लॉ को ड्राइव करना चाहता हूँ, लेकिन किससे? गॉस थ्योरम से या गॉस लॉ से। कूलम्स लॉ को ड्राइव करना चाहता हूँ या कूलम्स लॉ के एक्सप्रेशन को प्राप्त करना चाहता हूँ, लेकिन किससे? फ्रॉम गॉस थ्योरम या गॉस। तो आइए यहाँ पे एक बात करते हैं। मान लीजिए लेट अस कंसीडर, मेरे पास एक आइसोलेटेड पॉजिटिव चार्ज है। लेट अस कंसीडर आइसोलेटेड एक पॉजिटिव यानी मेरे पास चार्ज है, वो कहाँ पर रखा हुआ है? एक सेंटर यानी कि ऊपर रखा हुआ है। मैंने इमेजिन किया, क्या किया इमेजिन? स्फीयर को इमेजिन किया, क्योंकि हमें यानी कि गॉस थ्योरम में क्या कंसीडर करते हैं हम? क्लोज यानी कि सरफेस होना चाहिए, बाउंडेड चार्ज होना चाहिए, जिसके लिए गाउसियन सरफेस हम कंसीडर करते हैं। तो गाउसियन सरफेस को इमेजिन करना होता है, डेट मीन्स इमेजिन किया मैंने और उसका स्फीयर के रूप में, उसका रेडियस मेरा आर है, सेंटर मेरा ओ है। नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड, अब हम जानते हैं कि जो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा स्फीयर पे, वो वहाँ पे सारा की सारा यानी कि मैग्नीट्यूड वगैरह उसका क्या होगा? सेम होगा, और इट इज डायरेक्टेड बाय द आउटवर्ड यानी बाहर की डायरेक्शन में वो काम करेगा। डायरेक्शन ऑफ वेक्टर एरिया, जो डायरेक्शन ऑफ वेक्टर एरिया होगा, हमें मालूम है कि वेक्टर एरिया का जो डायरेक्शन होता है वो परपेंडिकुलर टू द सरफेस एरिया होता है, परपेंडिकुलर टू द सरफेस एरिया होता है। इसलिए यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और यानी डी ए का डायरेक्शन, डेट मीन्स दोनों की दोनों ई और ए का डायरेक्शन एक ही यानी कि उसमें होंगे, इसलिए थीटा वहाँ पे जीरो हो जाएगा। जब थीटा जीरो हो जाएगा तो अकॉर्डिंग गॉस लॉ हम बात करेंगे, तो अकॉर्डिंग गॉस लॉ वहाँ पे क्या है, यानी गॉस थ्योरम का है फाई इज इक्वल टू बाउंडेड चार्ज, मान लीजिए क्यू है, अपॉन यानी क्या होगा वहाँ पे एप्सिलॉन नॉट, ये हो गया। अब यहाँ पे जानते हैं नंबर वन हो गया, मैं बात करूँगा फ्रॉम इलेक्ट्रिक फ्लक्स से, फ्रॉम इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स आ जाइए फाई इज इक्वल टू हम जानते हैं इंटीग्रेशन यानी ई डॉट डी ए, डेट मीन्स फाई इज इक्वल टू ई डी ए साथ में कॉस थीटा, आइए यहाँ पे ई डी ए यानी कॉस जीरो, कॉस जीरो, कॉस जीरो की वैल्यू वन होती है। अमाउंट यानी कि मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड का जो अमाउंट है वो सेम है, इसलिए वो कांस्टेंट हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा डी ए, डेट मीन्स यहाँ पर हो जाएगा ई ए, तो फाई ई इज इक्वल टू, डेट मीन्स यहाँ पर क्या आएगा ई ए, डेट इज यानी कि क्वेश्चन नंबर सेकंड। अब देखिए फर्स्ट में भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, सेकंड में भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, लेफ्ट हैंड साइड के बराबर है, तो राइट हैंड साइड के बराबर हो जाएगी, यानी कि यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ ऑन कंपेरिजन ऑन कंपेरिजन इक्वेशन वन एंड टू, वन और टू को यहाँ पे कंपेयर करेंगे तो इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, ये देखिए यहाँ पर। अब आइए मैं यहाँ पे बात करूँगा ई एरिया, क्योंकि यहाँ पर एरिया होगा वो होगा मेरा फोर पाई आर स्क्वायर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पर हो जाएगा इस तरीके से, ये देखिए। तो इज इक्वल टू यहाँ पर क्या है, इज इक्वल टू और अभी मैं बात करने वाला हूँ, यहाँ पर ये आ गया, देखिए क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट हो गया। इलेक्ट्रिक एक बार फिर समझा देता हूँ, ई डी ए हो गया यहाँ पर, यानी कि थीटा कितना है जीरो, तो ऊपर जीरो हो गया, ये हमारा यानी कि यहाँ पे कांस्टेंट है, तो यानी बाहर निकाल लिया, डी ए हो गया, डी ए का इंटीग्रेशन ए हो गया, ए इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो इस तरीके से ई इज इक्वल टू हमारा वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन क्यू अपॉन आर स्क्वायर यहाँ पर बन गया। अब आप देखिए यहाँ पे क्या हम कर सकते हैं, इफ क्यू नॉट टेस्ट चार्ज, मान लीजिए इफ क्यू नॉट चार्ज प्लेस्ड एट सरफेस, मान लीजिए सरफेस पर है, देन तो यहाँ पे क्या होगा, ई इज इक्वल टू एफ ई यानी अपॉन क्या हो जाएगा क्यू नॉट हो जाएगा, एफ ई अपॉन क्यू नॉट, तो देखिए यहाँ पे क्या होगा एफ ई इज इक्वल टू ई क्यू नॉट हो जाएगा। आइए एक ही वैल्यू मैं रखने जा रहा हूँ, एक ही वैल्यू वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट
क्यू अपॉन आर स्क्वायर और साथ में यहाँ पे हो जाएगा क्यू नॉट। तो देखिए वही आया जो आना चाहिए, यानी कि एफ ई इज इक्वल टू यहाँ पर क्या है 1/4πε0 जो हमारा कॉन्स्टेंट है क्यू क्यू नॉट ओवर आर स्क्वायर। इट इज कूलम्स लॉ, इट इज कूलम्स लॉ। तो हमें इस तरीके से ये कूलम्स लॉ हमें मिल गया है आसानी से, बेहद आसान है। ये क्या है यहाँ पे 4πr² यानी कि 4πr² आ गया, इसको इधर ले गए, इस तरीके से ये आसानी से हो गया। फिर भी अगर किसी को अगर कोई प्रॉब्लम हो तो कॉल करें, व्हाट्सएप करें, कमेंट्स करें, मेरे चैनल PKS फिजिक्स क्लासेस को लाइव एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर टुडे क्लास। हेलो स्टूडेंट, PKS फिजिक्स क्लासेस में आपका वेलकम है। आज का जो टॉपिक है कूलम्स लॉ फ्रॉम गॉस थ्योरम, यानी आज मैं जो करने जा रहा हूँ वो कूलम्स लॉ को ऑब्टेन करना चाहता हूँ, यानी कूलम्स लॉ को ड्राइव करना चाहता हूँ, लेकिन किससे? गॉस थ्योरम से या गॉस लॉ से? कूलम्स लॉ को ड्राइव करना चाहता हूँ या कूलम्स लॉ के एक्सप्रेशन को प्राप्त करना चाहता हूँ, लेकिन किससे? फ्रॉम गॉस थ्योरम या गॉस लॉ। तो आइए यहाँ पे एक बात करते हैं। मान लीजिए लेट अस कंसीडर हमारे पास एक आइसोलेटेड पॉजिटिव चार्ज है। लेट अस कंसीडर आइसोलेटेड एक पॉजिटिव यानी मेरे पास चार्ज है, वो कहाँ पर रखा हुआ है? एक सेंटर यानी कि ओपन रखा हुआ है। मैंने इमेजिन किया, क्या किया इमेजिन? स्फीयर को इमेजिन किया, क्योंकि हमें यानी कि गॉस थ्योरम में क्या कंसीडर करते हैं हम? क्लोज यानी कि सरफेस होना चाहिए, बाउंडेड चार्ज होना चाहिए, जिसके लिए गॉसियन सरफेस हम कंसीडर करते हैं। तो गॉसियन सरफेस को इमेजिन करना होता है, दैट मींस इमेजिन किया मैंने और उसका स्फीयर के रूप में, उसका रेडियस मेरा आर है, सेंटर मेरा ओ है। नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड, अब हम जानते हैं कि जो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा स्फीयर पे, वो वहाँ पे सारा की सारा यानी कि मैग्नीट्यूड वगैरह उसका क्या होगा? सेम होगा, और इट इज डायरेक्टेड बाय द आउटवर्ड यानी बाहर की डायरेक्शन में वो काम करेगा। डायरेक्शन ऑफ वेक्टर एरिया, जो डायरेक्शन ऑफ वेक्टर एरिया होगा, हमें मालूम है कि वेक्टर एरिया का जो डायरेक्शन होता है वो परपेंडिकुलर टू द सरफेस एरिया होता है, परपेंडिकुलर टू द सरफेस एरिया होता है। इसलिए यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और यानी डी ए का डायरेक्शन, डेट मीन्स दोनों की दोनों ई और ए का डायरेक्शन एक ही यानी कि उसमें होंगे, इसलिए थीटा वहाँ पे जीरो हो जाएगा। जब थीटा जीरो हो जाएगा तो अकॉर्डिंग गॉस लॉ हम बात करेंगे, तो अकॉर्डिंग गॉस लॉ वहाँ पे क्या है, यानी गॉस थ्योरम का है फाई इज इक्वल टू बाउंडेड चार्ज, मान लीजिए क्यू है, अपॉन यानी क्या होगा वहाँ पे एप्सिलॉन नॉट, ये हो गया। अब यहाँ पे जानते हैं नंबर वन हो गया, मैं बात करूंगा फ्रॉम इलेक्ट्रिक फ्लक्स से, फ्रॉम इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स आ जाइए फाई इज इक्वल टू हम जानते हैं इंटीग्रेशन यानी ई डॉट डी ए, दैट मीन्स फाई इज इक्वल टू ई डी ए साथ में कॉस थीटा। आइए यहाँ पे ई डी ए यानी कॉस जीरो, कॉस जीरो, कॉस जीरो की वैल्यू वन होती है। अमाउंट यानी कि मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड का जो अमाउंट है वो सेम है, इसलिए वो कांस्टेंट हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा डी ए, डेट मीन्स यहाँ पर हो जाएगा ई ए। तो फाई ई इज इक्वल टू, डेट मीन्स यहाँ पर क्या आएगा ई ए, डेट इज यानी कि क्वेश्चन नंबर सेकंड। अब देखिए फर्स्ट में भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, सेकंड में भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, लेफ्ट हैंड साइड के बराबर है, तो राइट हैंड साइड के बराबर हो जाएगी, यानी कि यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ ऑन कंपेरिजन ऑन कंपैरिजन इक्वेशन वन एंड टू, वन और टू को यहाँ पे कंपेयर करेंगे तो इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, ये देखिए यहाँ पर। अब आइए मैं यहाँ पे बात करूँगा ई एरिया, क्योंकि यहाँ पर एरिया होगा वो होगा मेरा 4πr² क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पर हो जाएगा इस तरीके से, ये देखिए। तो इज इक्वल टू यहाँ पर क्या है, इज इक्वल टू इस तरीके से अभी यहाँ पर ये आया है, और अभी मैं बात करने वाला हूँ यहाँ पर ये आ गया, देखिए क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट हो गया। इलेक्ट्रिक एक बार फिर समझा देता हूँ, ई डी ए हो गया यहाँ पर, यानी कि थीटा कितना है जीरो, तो ऊपर जीरो हो गया, ये हमारा यानी कि यहाँ पे कांस्टेंट है, तो यानी बाहर निकाल लिया, डी ए हो गया, डी ए का इंटीग्रेशन ए हो गया, ए इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो इस तरीके से ई इज इक्वल टू हमारा
वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन क्यू अपॉन आर स्क्वायर यहाँ पर बन गया। अब आप देखिए यहाँ पे क्या हम कर सकते हैं, इफ क्यू नॉट टेस्ट चार्ज, मान लीजिए इफ क्यू नॉट चार्ज प्लेस्ड एट सरफेस, मान लीजिए सरफेस पर है, देन तो यहाँ पे क्या होगा, E इक्वल टू एफ ई यानी अपॉन क्या हो जाएगा, क्यू नॉट हो जाएगा, एफ ई अपॉन क्यू नॉट। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, एफ ई इज इक्वल टू ई क्यू नॉट हो जाएगा। तो आइए ए की वैल्यू मैं रखने जा रहा हूँ, ए की वैल्यू वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर और साथ में यहाँ पे हो जाएगा क्यू नॉट। तो देखिए वही आया जो आना चाहिए, यानी कि एफ ई इज इक्वल टू यहाँ पर क्या है, वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट जो हमारा कॉन्स्टेंट है क्यू क्यू नॉट ओवर आर स्क्वायर, इट इज कूलम्स लॉ, इट इज कूलम्स लॉ। तो हमें इस तरीके से ये कूलम्स लॉ हमें मिल गया है आसानी से, बेहद आसान है। ये क्या है, यहाँ पे फोर पाई आर स्क्वायर यानी कि फोर पाई आर स्क्वायर आ गया, इसको इधर ले गए, इस तरीके से ये आसानी से हो गया। फिर भी अगर किसी को अगर कोई प्रॉब्लम हो तो कॉल करें, व्हाट्सएप करें, कमेंट्स करें, मेरे चैनल पी के एस फिजिक्स क्लासेस को लाइव एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर टुडे क्लास।